देखो हमारे खानदानी में हमेशा एक एक बंदा ऐसा आया जिसकी शादी नहीं हुई। हाँ। तो आगे वाली जिम्मेदारी हमारी पीढ़ी का ये बंदा उठा रहा। 25-30 जनों को खाना नहीं बढ़ा सकते, बढ़ा सकते हैं। तब कैसे मतलब ये भी नई नई शादी हो रही है। आपको कैसे लगा वहाँ पे बताओ? अभी अच्छा लगा तुम्हारे साथ, अब बुरा लगा। ये मनीषा। Hey guys, welcome back to the my new blog. क्या चल है दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी दिन का 12 बज गया, थोड़ा रेस्ट कर रहा था मैं, क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी परेशान हो रहे थे, शादियाँ वादियाँ हो रही, तो नींद पूरी नहीं हो पाई थी। तो आज तीसरा दिन है। आपको पता है हमारे यहाँ 2 शादियाँ हुई थी, 2 लड़कियाँ एक ही दिन उनकी विदाई हुई थी। तो आज तीसरा दिन है, वापिस आती है अपने मायके तीसरा दिन में। और कुछ रीति रिवाज होते हैं हमारे, वो क्या क्या होंगे मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा। लेकिन दिन दिन को आएंगे, मतलब 2-3 बजे आएंगे, फिर जो भी रिवाज होंगे वो निपटा के वापस चले जाते हैं। फटाफट से निकलता हूँ मैं ऊपर, क्योंकि बुलावा आ गया था कि जल्दी आ था खाने की तैयारी करनी। हाँ जी सिक्रेटरी साहब, क्या हाल चाल? थोड़े से लेट करा यार आपने। अब आप करना क्या हमको ये बताओ? आपको करना है ऐसे 30-30 रुपए। लेडीज डिपार्टमेंट क्या कर रहे हो? पिता नाम बोल दे। ओथीने ज्यादा जोन है, 25-1 जोन है, 25-30 जोनों को खाना नहीं बढ़ा सकते। बढ़ा सकते हैं। ये क्या चीज है? बैठा जाती है जब हल्दी लगती है। ये बनाओ का फाइबर चाचा, ये क्या है? मेहंदी। ये तो नया देख रहा हूँ मैं। तो दिन पर उस टाइम बनाना चाहिए था वे ब्लॉक, उस टाइम तो आपने बनाया नहीं। अब आप ले रहे हर चीज की हमसे जानकारी तब देखो ना जब इसका कार्यक्रम था, भाई कौन सी चीज कहाँ लग रही है। तो इसमें दुल्हन को बैठाया था, इसमें दुल्हन बैठाई तब उसको हल्दी की। दिन पर दिन जो ना परिवर्तन हो रहा है, जैसे शहरों में बनती शादी ना ऐसी पहाड़ों में बनती। अरे यार, तो गांव और शहर में फर्क क्या रहेगा? गांव का जो है ना कल्चर गांव के रहना चाहिए। देखो जी, गांव में तो हर चीज पहुंचाना मुश्किल है, शहरों में पहुंच जाती है। अब हम देखते जरा इसकी शादी में ये क्या क्या लाएगा शहर से। शादी एक बात हमने करनी, क्यों किस किस काम के लिए कपड़े धोने के लिए। हाँ इसका नाम आता था, इसका बाबा था, उसका चार्ज चाहिए। अच्छा वो चार्ज आप लेना चाह रहे हैं, तब तो ठीक है। देखो हमारे खानदानी में हमेशा एक एक बंदा ऐसा आया जिसकी शादी नहीं हुई। हाँ। तो आगे वाली जिम्मेदारी हमारी पीढ़ी का ये बंदा उठा रहा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ ये कर इन भाभी ने बात पते की, कुनाल दो आटा दो खुद कूदेंगे, ये होने बात। क्या यार, जिन्होंने हमने रोटियां बढ़ाई नहीं उनको बस लगे रोटियां बना लो। नहीं तो फिर तुम लोग निकलो, फिर हम करेंगे खुद। बाकी रही क्या गया रोटी नहीं, हम तो बना लेंगे फिर। हाँ वो क्या कहना चाह रहे? शादी हुई थी ना गाइस, वो ये लड़की है कृति बहन। टाइम हो गया डेट। वाह क्या बात है सर, मजा आ गया, आनंद आ गया, आनंद। वो है कैसा लग रहा आपको? बढ़िया लग रहा है ना? बहुत ही नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? साची ओ हाँ ठीक, हाँ निपट गया। एक भी लाए थे, एक भी थैला है, चूड़ी बाजी लाए, चूड़ी मोटे मोटे वाली है।
खाते पीते घर किए और के। हाँ अरे हम सुबह से काम कर रहे हैं यार, दो मिनट बीच बीच में टाइम मिलता तब मैं बना लेता हूँ। अब क्या बोले हम, पनीर वाले भैया पनीर काटो। अरे ठीक है इसमें काटो, सुनो चार यहाँ हो गए। तो कितने काटना बताओ, पक्का पक्का सर? हाँ जी कुकमैन। हेलो सर, क्या क्या रेडी हुआ? सारा रेडी है, रोटी रह गई। अब बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है सर, देख के कैसे लग रहा है? यार देख के तो, अब देख के थोड़ी पता चलता है, देख के तो सही है। तो गाइस फाइनली दूल्हा और दुल्हन वापस आ गए हैं हिमाचल से। आप देख सकते हैं सबसे पहले दूल्हा है। आप ये बताइए आप लेट क्यों आए? मैं नहीं लेट, मैं जल्दी आ गया था। मैं इनके साथ साथ आया ना। कहाँ से? क्यों नहीं गया था? अच्छा हाँ, कैसा रहा सफर? अच्छा रहा है। उधर का हिमाचल का टूर कैसे? मतलब पता कैसे करते हैं? खड़े रहो उधर, सीधे रहो, सीधे रहो, ऐसे करेंगे, नीचे। अरे वाह ठीक है, ये तो ठीक है यार, ये तो बढ़िया है। पूरे पैर तो छूते हैं हमारे यहाँ तो, घुटने छूते हैं। नहीं नहीं जो बात नहीं, ये बढ़िया है, खुद को भी करेगा, रूम को भी करेगा। ये बढ़िया रिवाज है, ये अच्छा है। पूरा पैर छू रहा, फिर अपना भी छू रहा, ठीक है। सुई बोलते हैं? बोलते क्या? सुई ये बेटा है आपको, अगर नमस्ते बोलेंगे ना हंसते हैं वो लोग, पता है? बेटे तो आप क्यों नहीं आए सुबह से? नमस्ते, आप पहुंच ही नहीं रहे, कहाँ थे आप लोग? विपिन भाई जी ठीक है? अब ये वापिस जा रही है भाभी। हेलो हेलो, ये गिरेगी, ये नीचे जा रही है, इसको पकड़ो। ये भाभी जी आपकी बहन है? हाँ लग रहे, लग रहे शक्ल से लग रहे। तो आप सुस्त पड़ गए यार, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो क्या कर, ये भी सुस्त हो गए हमारी नानी। अरे ऐसा है ना, इन्होंने गाय पिला ली, ठीक है अब आपकी बारी, आप लोग जाओ रोटी है खुद बनाएगी। हाँ हम बांध आपू, अब आप जाओ और वापस मत आओ। हाँ सही बात है। सहेलियाँ कितनी गई थी यहाँ से? कन्फर्म कर, तीन या दो? दो। हाँ अच्छा, कैसा रहा है बेटा सफर? कैसा रहा? ठीक है, अच्छा लगा? हेलो आप ट्रेनिंग दे रहे हो? कपड़ा सीनो नहीं बनवाए, धुआं धुआं हो रहा है बहुत। अरे दो जन जाओ, दो जन दो पहले इनको खिलाओ, शौक क्यों, उसे गरम करने पड़ेगी अभी। हाँ ठीक है, तू ही बना दे, बढ़िया से बना। आज हमारे घर में दुनोज पहुंच रखा है और अब हम लोग खाना खिला रहे हैं। हम लोग कितने बजे पहुंचे? हम लोग 3 बजे के करीब पहुंचे हैं और अब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये है हमारे नाना जी, मेरी सिस्टर की शादी थी। अब आप ब्लॉग में देखोगे। और हेलो मिस्टू, इनकी अभी नई नई शादी हो रही है। आपको कैसे लगा वहाँ पे?
बताओ पूरा अभी अच्छा लगा तुम्हारे साथ अब बुरा लगा अच्छा क्योंकि गुड़िया नीचे आ गई थी कैसे लगा आपको यहाँ पे खास नहीं सर हमें थी को कैसे लग रहा है काम करते हुए मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है चमक रहा है भाभी हाँ जी और एक किचन में हाँ जी यार के तो नॉन में आप क्यों शर्मा रहे नानी आप क्यों सीरियस हो रहे हो है कोई बात नहीं दोबारा आएगी ये मनीषा और कुछ तो नहीं करना शेयर भी कर देना एक बोश बल भाई दोनों बोशू कोई ना बोशू तो बोश दे दोनों खिला रहे आपको बैठो